मदद करने के लिए सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के जो माननीय मंत्रीगण हैं, हम सब लोग इस सहयोग के कार्यक्रम में बैठते हैं और जिन लोगों को जिस प्रकार की समस्या होती है उसमें हम लोग उनकी मदद करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। जिस विभाग के मंत्री बैठे होते हैं, यदि उस विभाग से जुड़ा हुआ विषय होता है तो अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते हैं और प्रतिदिन ऐसा अलग अलग करके सभी मंत्रियों के बीच जिम्मेवारी बंटी हुई है। और आज रामप्रीत पासवान जी और मैं बैठा हूँ, सामान्यतः मंगलवार को हम लोग दोनों लोगों से मिलते हैं और आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का भी और स्वास्थ्य विभाग का दोनों विभागों के मामले आए हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें रोगियों को मदद करने की जरूरत होती है, मरीजों को सहयोग की जरूरत होती है, तो संबंधित अस्पताल में बात करना, वहाँ चिकित्सकों से उनको सहयोग दिलाना, वो भी आज ऐसे मामले आए जिसमें हमने अस्पताल में बात करके निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी काम करते हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं, उन लोगों की सेवा संबंधी भी कई समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का भी निराकरण हम करते हैं। आज भी कुछ हमारी नर्स या अन्य स्वास्थ्य कर्मी आए थे जिनकी सेवा संबंधी बातें थी, तो वो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया हमने। इसके अतिरिक्त दूसरे विभाग के भी मामले आते हैं, शिक्षा विभाग का भी मामला आया था, तो वहाँ भी जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे बात करके मामले के निपटारे के लिए उनको कहा जाता है। तो इस तरीके से कुल मिला के मकसद हम सब लोगों का ये होता है कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान सहजता के साथ इस पार्टी कार्यालय में किया जा सके। ऐसे हम सब मंत्रीगण सभी के लिए सहजता से उपलब्ध रहते हैं, आवास पे, कार्यालय पे, लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग भी अपने अपने क्षेत्र के जुड़े हुए समस्याओं के साथ आते हैं, उसका निराकरण। इस न्यूज के प्रस्तुतकर्ता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।